स्वतंत्र हुआ भारत। क्या स्वतंत्र हुई भारतीय नारी? इसमें संदेह नहीं कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर महिलाएं आ चुकी हैं, इसलिए उनकी सफलताओं और उपलब्धियों की आशा हर क्षेत्र में की जा सकती है। बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। आजादी से पहले 1883 में चंद्रमुखी बसु कांदाम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं बनी। तो 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनी और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। फिर चाहे वो राजनीति हो या फिर विज्ञान, कला या शिक्षा, भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने 15 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री बनी। नवभारत में महिलाओं की स्थिति लगातार बदली है। सफल और प्रेरक महिलाओं के उदाहरण देकर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, मगर इस आजाद देश में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो महिलाओं की आजादी और सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। आज महिला सुरक्षा इस आजाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां भारतीय पुलिस में अपनी सेवा देने वाली पहली महिला किरण बेदी का नाम सुना है आपने, वही 16 दिसंबर 1912 को दरिंदों की शिकार हुई उस युवती को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसने देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हैवानियत के खिलाफ पूरे देश को खड़ा कर दिया। जहां भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल, वही तेजाब के हमलों में शिकार हुई लक्ष्मी जैसी कई लड़कियां, जहां अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा चुकी पहली भारतीय महिला कल्पना चावला रही, वहीं आज भी महिलाओं को बेटे के लिए सूली चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। ऐसे में सफल और प्रेरक महिलाओं के उदाहरण देकर देश की महिलाओं को स्वतंत्र कैसे समझा जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।